entire kingdom became sand, right? 850 acres. Okay, became total, sand. Yeah. Okay, and she also got buried. Committed suicide. She committed suicide. Water में बहुत ज़्यादा energy है, बहुत current से पानी बह रहा है. इसमें शायद ही कोई तैर पाए. So before we continue our journey, if you haven't subscribed the channel, please hit the subscribe button. And if you like the video, please like it and share it with your friends. जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक फॉल से दूसरे फॉल पर. राइडिंग गियर पहन के ऑफ रोड आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी. और मनी सर वहाँ पे खड़े हैं. लेट्स गो देयर. एंड वाटर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत करंट से पानी बह रहा है. इसमें शायद ही कोई तैर पाए. बहुत ही बढ़िया व्यू है और छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स हैं शिप्रा समुद्र के पास. जब भी आप आओ थोड़े बहुत व्यू पॉइंट्स जो हैं वो देख लो. एंड दिस इज़ यू कैन से अ शॉर्ट गेट अवे विच हैपन्स ऑन द वीकेंड. सो यू कैन सी द वाटर फ्लो. इट्स टू मच ऑफ एनर्जी इन वाटर, टू मच ऑफ करंट आई वुड से. एंड यू कैन से हैवी rush of water and it's gonna fall down there. There's a fall there. Amazing hai, barish ke baad jo falls hain aur nadiyan hain wo badhiya ho jati hain ekdum. Ab wo dikh raha hai hame. So there is Saji sir and Arun lying there. And yeah, here we have the waterfall. See the current. Wow. Massive water flow. Here's the exit. थोड़ा बच बच के जाना होगा. कांटों में से निकलते हुए. So starting for तालागाड़ू now. अब तालागाड़ू की तरफ हमारा final lap शुरू हो गया है. और रोड जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल सिंगल है. और यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि थोड़ा थोड़ा रोड टूटी भी हुई है. और बीच में अगेन वो जो कहते हैं ना हम्स और अनमार्क्ड स्पीड ब्रेकर भी आ जाते हैं. ये जो टाइप की नैरो रोड है इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि डॉग्स और कैटल्स बीच में अपने कभी कभी वॉक पे निकल लेते हैं. तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन रखना पड़ेगा. बट हाँ अभी तक टाइम मैनेजमेंट हमारा पूरा अच्छा चल रहा है. बट मैं अगेन यही सोच रहा हूँ कि बारिश ना हो. और अब हम तालागाड़ू विलेज के पास पहुँच गए. ये पॉन्ड बहुत अच्छा था. यहाँ पर मेरा मन था कि मैं रुकूँ थोड़ी देर पर. आगे अभी मुझे मेरा मैप नहीं चल रहा था यहाँ पर. तो आई हैड टू स्टिक टू टेल ऑफ नेक्स्ट. आगे मनी सर जा रहे हैं तो. पर ये व्यू देखो आप साथ में. मतलब जैसे वो ट्रीज़ हैं और वो बहुत क्लियर वाटर था. इस टाइप का रिजर्वायर बैंगलोर के आसपास तो कम ही देखने को मिलते हैं. कैसे गई साजी सर? भेलपुरी. भेलपुरी इज नाइस स्पाइसी टैंगी टैंगी. मज़ा मज़ा आ गया भेलपुरी खा के. तो बस अब ये टेम्पल है आई गेस. और इसके बाद हमारा रिटर्न शुरू होगा बैंगलोर के लिए. तो दिस इज़ द वे अप. और देखते हैं कितनी देर ऊपर कितना ऊपर क्लाइम करेंगे. फ्रेंड्स ये मेन रोड तो बंद ही है. ट्रेल टू विच टेम्पल सर? सर यार टेम्पल ले रहे तो विष्णु टेम्पल. अच्छा ट्रेल राइट. ऑफ रोडिंग ट्रैक. ऑफ रोडिंग मैनुअल ऑफ रोडिंग. तो अभी जंगल में जा रहे हैं. देखते हैं अभी क्या होएगा. ऐसे लगता है कोई हाथी अपना सूंड फैला के ऊपर बैठा हो. है ना, काट के ले जाओ. इस पे वॉर्निश मार के इसको आर्ट पीस बना देना. देखो तेरे तपस मार दो तो शिवली नागदरों से दूसरी जो तेरी ग्रुप आ रही है. राइट. सो और एंटायर किंगडम कागल आंता ने इधर मेल अभी क्या कटिंग होता. एंटायर किंगडम बिकेम सैंड. Right? 850 acres. Okay, became total, sand. Yeah. Okay, and she also got buried. She committed suicide. Okay. That place he is taking us to, where she committed suicide. Oh, so to summarize here,
there was a queen and there was a threat of invasion in the kingdom. So she committed suicide, and then she cursed that all the entire kingdom should be covered with sand. All the people, all the jewels, all the palaces and everything. Everything was covered with sand, and now this is the remain of it. This is sand everywhere. So yeah, so that's the legend behind it. So Sri Maraleshwara temple. Okay, so we were talking about those sites which were like, or city which was covered with sand, and there are certain excavation which has happened there. We'll see what is it. That part which was excavated, and the whole city which as per the curse is under this mound. So essentially this was the surface level, and then when everything got covered with sand as per the curse, this was the remains. And then so ye hai wo excavation just site jahan par इन्होंने थोड़े से टेम्पल्स जो हैं वो डिग कर लिए हैं, बाकी जो रिमेन्स हैं सिटी के वो उस माउंट के नीचे हैं. तो वेन एवर यू कम टू शिवना समुद्रा, दिस प्लेस इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 28 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर बड़ा चुकी से, और आप यहाँ पे आके ये साइट देख सकते हैं. तो एक लेजेंड है जो एक क्वीन का है और प्रिंसेस का है. सो उस बेस पे है ये, और ये सामने विष्णु टेम्पल है हमारा, तुमने ऊपर से भी देखा था. सो हमारा आइडिया ये था कि पूरे जो भी एक्सकवेटेड साइट है उसको देखें, और देख के बहुत ही ब्यूटीफुल लगा ये. और अगर आप एक एक चीज़, एक एक दरवाज़ा और एक एक जो इसके ऊपर डिज़ाइन हुआ है उसको ध्यान से देखोगे, बहुत ही यूनिफॉर्म है और बहुत ही यूनिक है. चाहे ये जो डोरवे है टूवर्ड्स विष्णु टेम्पल या विष्णु टेम्पल इटसेल्फ है, विष्णु टेम्पल के इनसाइड जो मूर्तियाँ हैं उसकी हम वीडियोग्राफी नहीं कर पाए, ना फोटोग्राफी, बिकॉज अलाउड नहीं है. बट फ्रॉम आउटसाइड यू कैन वेल इमेजिन कि कितने डिटेल में बनाया गया. क्वाइट रिफ्रेशिंग. तनिया लग गया डिना. मैं बता रहा था मेरे घर में नारियल का पेड़ है, तो उसमें इतना इसका 3 गुना आता है साइज, बड़ा वाला एक बड़ा जगह. सो सारा टेम्पल विजिट हो गया है ख़त्म, अब सब लोग अपना गियर गैदर करेंगे एंड देन वील स्टॉप एट वन प्लेस. तो लंच होगा स्किप, कुछ थोड़ा क्विक स्नैक या क्विक बाइट लेंगे, और उसके बाद पहुंचेंगे अब सीधा बैंगलोर. राइट राइट सर. यस ओके. और ऐसा हो नहीं सकता था कि बारिश ना हो, जो मैं विश कर रहा था कि बारिश ना हो, बट बारिश हो गई. और ये था कि हम लोगों ने राइट टाइम पे अपना रेन गियर पहन लिया है, और सबके पास अपना रेन गियर है, दैट्स द बेस्ट पार्ट. बट अब प्रॉब्लम ये होने वाली है कि ये अगेन एक सिंगल रोड है और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है. तो वेल यहाँ अगर हम बात करें अपने स्पोर्ट्स कॉम टायर के जो इंटरसेप्टर में हैं पिरेली के, दैट गिव्स यू वेरी गुड ग्रिप. बट ये जो टेरेन है इसमें वो ग्रिप नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो है कीचड़ वाला पानी है एक तरह से, एंड स्वाम्पी ऐसा हो जाता है वो थोड़ा, तो उसमें थोड़ा सा व्हील ड्रिफ्ट करने लगता है आपका. बाकी सब ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ रोड पैचेज हैं थिंग्स आर फाइन. और इसके साथ अब हम अपना फाइनल रिटर्न लैप शुरू कर रहे हैं बैंगलोर की तरफ. बारिश जो है मुझे लग रहा था कि थोड़ी कम होगी, बट ये जो बम्पी रोड्स हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान से चलाना होगा, क्योंकि एक तो रीज़न ये है कि ये जो पंप्स हैं, ये जो पडल्स हैं, इसमें पानी पूरा भर जाता है, तो आपको डेप्थ नहीं पता लगती है इसकी कि कितना डीप है. तो इसमें कई बार ये रिम पे भी इफेक्ट हो सकता है आपके, तो स्लो ही जाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं जाएंगे. और विल मेक श्योर के एक स्विफ्ट स्पीड रखेंगे हम लोग अपनी 70 के अराउंड, ताकि हम बारिश में आराम से, अगर कोई इवेंचुअलिटी या कोई सिचुएशन आती है तो उसमें बाइक को इजीली कंट्रोल कर सकें. तो ओवरऑल जर्नी अच्छी रही, बढ़िया रही, और जो जो हमारे टारगेट पॉइंट्स थे वो तो हमने सारे कवर कर लिए हैं. वी हैव कवर्ड ऑल द टारगेट पॉइंट्स जो हमने रखे थे आज के अपने राइड के लिए. बस अब ये जो रिटर्न होने वाला है ये थोड़ा सा स्लो होने वाला है, क्योंकि अब बारिश हो गई है. और एक बारी when we hit the tarmac, so I think sports pump will do the job.
फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश हो ना हो स्पोर्ट्स कॉम्प जो है वो अपना अच्छे से ही चलता है, और उसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, वेट ग्रिप बहुत अच्छी है, और ड्रेनेज पैटर्न बहुत अच्छा है, जो स्पोर्ट्स कॉम्प टायर का ड्रेनेज पैटर्न है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बायो कंपाउंड टायर है, उसके अंदर बायो कंपाउंड टायर के अंदर ये भी बेनिफिट रहता है कि आपको अगर आप कहीं थोड़ा सा स्लाइड ऑफ रोड चले जाएँ जहाँ पर रॉकी सर्फेस हो थोड़ा सा, तो वहाँ पर भी ये टायर बहुत अच्छा काम करता है, दिस वर्क्स रियली वेल। एक बात और कहूँगा, जो भी आप रेन गियर चूज़ करो वो थोड़ा कलर जो है उसका हाई वेज रखना, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि अब जब आप बारिश में ट्रैवल कर रहे हो तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर हो जाती है, और मैं जैसे मेरा फ्लोरोसेंट ग्रीन है, मेरे कुछ फ्रेंड्स का फ्लोरोसेंट ऑरेंज है, तो ये डार्क गियर है, दैट इज़ लिटिल लेस विजिबल अगर आप कहीं पर रुके भी हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डार्क चॉइस गलत है, बट स्टिल इट्स बेटर टू हैव अ फ्लोरोसेंट और अ हाई विज कलर। अब ये जो कैटल क्रॉस कर रहा है, देखो ये कैटल क्रॉस किया है इटसेल्फ, ये जो है जब आपके वाइजर पे इतना सारा पानी होता है तो इसके लिए भी विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि कैटल तो वैसे ही इतने डल कलर का होता है तो आपको दिखेगा नहीं, ऊपर से क्लाउडी हो जाता है सिचुएशन तो लाइट भी वैसे कम है, और इन एलीज में, एलीज नहीं इन स्ट्रीट्स में कहूँगा, प्रॉब्लम क्या है, कई बार लोग जल्दी से क्रॉस करना चाहते हैं एक साइड से दूसरे साइड, वो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि कोई आपको क्रॉस नहीं कर रहा हो एकदम से, और उसके उस सिचुएशन में कैसे गाड़ी हैंडल करेंगे, क्या आप ब्रेक लगाएंगे और किधर को जाएंगे, वो चीज़ें। बाकी अब रोड तो थोड़ी परफेक्ट है आई वुड से, पहले जो हमने अभी देखा बम्पी रोड देखा था उसके कंपैरिजन में तो पहले से बहुत बढ़िया रोड है, बट फिर भी वी आर नॉट एक्सेलरेटिंग मच, यू कैन सी द स्पीडोमीटर, वी आर नॉट इवन टचिंग 80 और समथिंग, वी आर गोइंग इन अ स्विफ्ट स्पीड। और एक चीज़ और कि मैंने, अरुण आगे है और उसकी से मैंने डिस्टेंस अपना प्रॉपर रखा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे भी कैटल्स हैं और बहुत सारी मतलब गाड़ियाँ आ रही हैं, एक डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब अरुण आगे जा रहे हैं, अरुण से मुझे भी पता लगता रहेगा रूट का टेरेन कैसा है, एंड आई कैन मेंटेन माय स्पीड। तो स्पेशली इस व्लॉग में मैं ज़्यादा रेन राइडिंग के बारे में बोल रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि यू नो देर आर सर्टन थिंग्स विच आई हैव लर्न थ्रू माई एक्सपीरियंस, गुड और बैड, और थोड़े सजेशन थोड़े गाइडेंस से और थोड़े फीडबैक से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो वेन एवर यू राइड जस्ट मेक श्योर यू नो फ्यू थिंग्स, छोटी छोटी बातें हैं, यू कैन कीप इट इन योर माइंड। तो बारिश रुक गई है, अब हम लोग अपना फिर भी स्पीड को थोड़ा स्लो ही मेंटेन करेंगे, क्योंकि सिंगल रोड है अभी भी रोड के लिए है, और अंटिल अनलेस वी हिट द हाईवे, और ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उसका भी थोड़ा ध्यान रखना ही होगा हमें। अभी बस मुझे ये है कि मेरे पास टॉप गियर था, मेरे पास अपनी जैकेट ही थी, मेरे पास लोअर गियर नहीं था, अब ये चीज़ होगी कि मैं अपना लोअर गियर भी खरीद लूँगा। आई गॉट माई दिस जैकेट विच आई एम वेयरिंग फ्रॉम डिकैथलॉन, ये जैकेट मैंने अपने राइडिंग जैकेट के ऊपर पहनी हुई है। एक चीज़ ये होता है कि आपकी राइडिंग जैकेट भी बची रहती है इससे, और थोड़ी सी एक्सेल साइज़ में है तो आपका ऑपरेशन भी स्मूथ रहता है। एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि वेन एवर यू बाय अ रेन गियर जैकेट तो इसमें से ना एग्जिट फ्लो देख लेना, पीछे जो आपका एग्जिट होना चाहिए एयर के लिए, अदरवाइज वो इट विल बी पम्प्ड अप लाइक अ बैलून, और उसमें आपकी स्टेबिलिटी ख़राब होगी बाइक जब आप राइड करोगे, तो ये ज़रा ध्यान रख लेना व्हेनेवर यू पिक अप एनी राइडिंग जैकेट। सो राइड बहुत अच्छी रही, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, विल ब्रिंग यू मोर वीडियोस अबाउट ट्रिप्स प्रोडक्ट्स एंड ब्यूटीफुल जर्नीज। तब तक के लिए बाय बाय एंड विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट जर्नी।